कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। घरों से निकलना बंद कर दिया, सामाजिक दूरी बरती और खाने पीने की चीजों को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज किया। जीने के लिए जरूरी सांसें भी मास्क बिना नहीं ली। यही नहीं, जानलेवा संक्रमण की दहशत इतनी थी कि एक ही मकान फ्लैट में रहने वाले परिवार के लोग अपने अपने कमरों तक से नहीं निकल रहे थे। मगर भारत में लगभग खत्म हो चुके कोविड के बावजूद हरियाणा के गुरुग्राम से ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल मेट्रो सिटी में रहने वाली महिला कोविड की पहली लहर से अब तक अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ घर में कैद हो गई थी। उसका पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। अब बच्चे की उम्र 10 साल हो चुकी है। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम का ये पूरा मामला है। शहर की मारुति विहार कॉलोनी में रहने वाली 35 साल की गुनगुन ने खुद को 3 साल के अपने मासूम बेटे के साथ घर में कैद कर रखा था। उसे लग रहा था कि बाहर निकलते ही वो और उसका बेटा कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाएंगे। महिला के मन में कोरोना का खौफ इस कदर सवार हो गया था कि बाहर नौकरी पर जाने वाले पति राजीव को भी उसने 2020 से घर के अंदर नहीं घुसने दिया था। बेबस पति ने पहले कई महीने अपने दोस्त के घर काटे और फिर वो पास के ही चक्करपुर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने लगा और फिर पत्नी बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। साथ ही हर महीने सैलरी आने पर पत्नी के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर देता था। उधर महिला घर में कैद रहकर ऑनलाइन की सब्जी और घरेलू जरूरतों का सामान मंगवाने लगी। डिलीवरी बॉय गेट पर ही पार्सल रख कर चला जाता था। कई बार पति ही सामान लाकर गेट पर रख जाता था, फिर मास्क लगाकर वो उसे उठा लेती थी और सैनिटाइज करके इस्तेमाल कर लेती थी। यही नहीं, कूड़ा डालने बाहर नहीं जाना पड़े इसलिए उसने घर के अंदर कचरे का ढेर लगा रखा था। बाहर ना निकलने पर अड़ी महिला ने गैस सिलेंडर तक मंगवाना बंद कर दिया था। उसका मानना था कि सिलेंडर देने वाले से उसे कोरोना संक्रमण हो जाएगा। वो इंडक्शन चूल्हे पर ही पिछले 3 साल से खाना पकाती थी। कोरोना के खौफ से पीड़ित महिला अपने बच्चे को भी बाहर नहीं निकलने देती थी और स्कूल में ही बात करके उसकी ऑनलाइन क्लासेस लगवाती थी। साथ ही ट्यूशन भी इंटरनेट के जरिए ही पढ़ाती थी। वो पति से पैसे मिलते ही बच्चे की फीस भी भर देती थी। किराए के कमरे में रह रहे सुजान ने वीडियो कॉल पर कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। महिला का कहना था कि बच्चे को कोविड वैक्सीन लग जाएगी तब वो घर से बाहर निकलेगी, लेकिन अभी 10 साल के बच्चे को टीके नहीं लग रहे। ये अनोखा केस सुनकर पहली बार पुलिस अधिकारी को फरियादी की बातों पर विश्वास भी नहीं हुआ, लेकिन जब सुजान ने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी और बेटे से बात करवाई तो फिर पुलिसकर्मी ने मामले में दखल दिया। बहरहाल पीड़ित पति 3 साल बाद अपनी पत्नी और बेटे को पाकर अभिभूत था और उसने पुलिस को धन्यवाद दिया। उसका कहना था कि पत्नी का इलाज किया जा रहा है और उम्मीद है कि हमारी जिंदगी जल्द ही पटरी पर आ जाएगी।